हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डिजाइन कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12 टाइप्स ऑफ द लोड विच आर कंसिडर व्हाइल वी आर डिजाइनिंग द ब्रिज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए जो अलग अलग 12 टाइप्स के लोड है वो उसको कंसिडर करना होता है, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लोड्स होते हैं अलग अलग, उनको हमें कंसिडर करना होता है जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। ठीक है, दीज लोड्स एंड देयर द कॉम्बिनेशंस डिसाइड द सेफ्टी ऑफ द ब्रिज कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द यूज अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। नाउ द डिजाइन लोड्स शुड बी कंसिडर परफेक्टली प्रॉपरली बिकॉज ऑफ वी नीड टू डिजाइन परफेक्ट। नाउ अब हम देखते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लोड्स है जिसको हमें कंसिडर करना है ब्रिज स्ट्रक्चर को डिजाइन करते वक्त, जिसमें से सबसे फर्स्ट टाइप है डेड लोड। ठीक है, इस प्रकार के लोड के बारे में देख लेंगे कि उसमें होता क्या है। देखो, सबसे पहले द डेड लोड इज नथिंग बट अ सेल्फ वेट ऑफ द ब्रिज, सेल्फ वेट ऑफ द ब्रिज एलिमेंट्स। नाउ द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द ब्रिज आर डेक स्लैब, वेयरिंग कोड, नाउ रेलिंग्स, पैरापेट, स्टिफनर्स एंड अदर यूटिलिटीज। नाउ इट इज द फर्स्ट डिजाइन लोड टू बी कैलकुलेटेड इन द डिजाइन ऑफ ब्रिज। तो डेड लोड हमें कंसिडर करना है, बाद में उसको डिजाइन करना है। डेड लोड कहाँ से लेना है, कितना लेना है, क्या उसके स्पेसिफिकेशंस है, वो आपको आइस कोड में मिल जाएंगे, जिसके ऊपर एक अलग वीडियो बना है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप है लाइव लोड के बारे में। लाइव लोड का एक एग्जांपल आप इस वाले इमेज में देख सकते हैं कि लाइव लोड एक्चुअल में एक्ट कैसा हो रहा होगा। ठीक है, देखो लाइव लोड मतलब क्या होता है कि ब्रिज के थ्रू आउट लेंथ के ऊपर जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, उन मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेट है वो एक्ट होता है, उसको हम लाइव लोड बोलते हैं। देखो, मूविंग लोड्स आर द व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ व्हीकल्स। नाउ बट इट इज डिफिकल्ट टू सेलेक्ट वन व्हीकल और द ग्रुप ऑफ द व्हीकल्स टू डिसाइड एंड टू डिजाइन द सेफ ब्रिज। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, सो वी रेफर IRC रिकमेंडेड, सो इमेजिनरी व्हीकल्स आर लोड्स आर गिवन इन द रिकमेंडेशंस एंड देन वी विल डिजाइन एंड वी विल गेट अ सेफ रिजल्ट। अब जो अलग अलग स्पेसिफिकेशंस है लाइव लोड के, वो IS 875 में मिल जाएंगे, जिसका एक अलग वीडियो में भी मैंने बनाया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो टाइप ऑफ द लोड है वो है इम्पैक्ट लोड, वो भी हमें कंसिडर करना है। देखो, द इम्पैक्ट लोड ऑन द ब्रिज इज ड्यू टू द सडन लोड विच आर कॉज्ड वेन द व्हीकल इज मूविंग ऑन द ब्रिज। वेन द व्हील इज इन द मूवमेंट, द लाइव लोड विल चेंज पीरियोडिकली फ्रॉम वन व्हील टू अनदर, विच रिजल्ट द इम्पैक्ट ऑफ ऑन द ब्रिज। सो वी कंसिडर ए इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर विच डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स सच एज द वेट ऑफ व्हीकल, स्पैन ऑफ द ब्रिज एंड वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल्स एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट टाइप है विंड लोड, इसको हमें कंसिडर करना होता है डिजाइन करते वक्त। ठीक है, अब विंड लोड की क्या स्पेसिफिकेशन है, विंड लोड क्या होता है। देखो, विंड लोड ऑल्सो एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ब्रिज डिजाइन। फॉर द शॉर्ट स्पैन ब्रिजेस विंड लोड शुड बी निग्लेक्टेड, बट फॉर द मीडियम स्पैन ब्रिजेस विंड लोड शुड बी कंसिडर्ड फ्रॉम द सबस्ट्रक्चर डिजाइन, एंड फॉर द लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस विंड लोड इज कंसिडर्ड इन द डिजाइन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, विंड लोड के भी अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, बिल्डिंग के लिए कितना लोड लेना है, क्या करना है, ये सब चीजें एक अलग वीडियो है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर ऊपर आपको एक नोटिफिकेशंस भी मिल जाएगा, उसमें हमने डीपली देखा हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप
जो है लॉन्गिट्यूडिनल फोर्सेस, उसको भी हमें कंसिडर करना है डिजाइन करते वक्त, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो कैसे एक्ट होते हैं वो देखते हैं। देखो, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्सेस आर कॉज्ड बाय द ब्रेकिंग और एक्सेलरेटिंग ऑफ द व्हीकल्स ऑन द ब्रिज, ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेटिंग, ये दो पार्ट। देखो, व्हेन द व्हीकल इज स्टॉप सडनली और एक्सेलरेट सडनली, इट इंड्यूस लॉन्गिट्यूडिनल फोर्सेस, ठीक है। उसके वजह से लॉन्गिट्यूडिनल फोर्सेस क्रिएट होते हैं जो कि हमारे ब्रिज पे एक्ट होते हैं, स्पेशली ऑन द सबस्ट्रक्चर्स वो एक्ट होते हैं। तो हमें उसको डिजाइन करते वक्त कंसिडर करना होता है। सो IRC रिकमेंड्स 20% ऑफ लाइव लोड शुड बी कंसिडर एज ए लॉन्गिट्यूडिनल फोर्सेस ऑन द ब्रिजेस। जो नेक्स्ट है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में देख लेते हैं। देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होता है, ठीक है। आप इमेज में एक एग्जांपल देख लीजिए जिसको मैं आपको डीपली बताने वाला हूँ। देखो, इफ ब्रिज इज टू बी बिल्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एट ए कर्व, देन द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल अलॉन्ग द कर्व विल कॉज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ऑन द सुपर स्ट्रक्चर्स। नाउ हेंस इन द केस ऑफ डिजाइन शुड बी डन फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑल्सो, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी हमें कंसिडर करना होता है उस वाली कंडीशन में। तो उसे कंसिडर करने के लिए एक फॉर्मूला है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन बी कैलकुलेट बाई यूजिंग द फॉर्मूला C=WV²/12.7R। उसमें W स्टैंड करता है लाइव लोड, V है डिजाइन स्पीड और R है रेडियस ऑफ दैट कर्व, रेडियस ऑफ दैट कर्व। नाउ जो नेक्स्ट टाइप है वो है बियॉन्सी इफेक्ट। अब बियॉन्सी इफेक्ट क्या होता है, देखो, बियॉन्सी इफेक्ट इज कंसिडर फॉर सबस्ट्रक्चर और लार्ज ब्रिजेस सबमर्ज अंडर डीप वाटर बॉडीज, इन द डेप्थ ऑफ सबमर्ज इज लेस, इट कैन बी निग्लेक्टेड। डिफॉर्मेशन एंड हॉरिजॉन्टल इफेक्ट्स, तो डिफॉर्मेशन स्ट्रेसेस आर अकर्ड ड्यू टू द चेंज इन मटेरियल प्रॉपर्टीज आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली, द चेंज मे बी क्रीप एंड श्रिंकेज ऑफ द कॉन्क्रीट एंड सो ऑन। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सिमिलरली हॉरिजेंटल फोर्सेस विल डेवलप ड्यू टू द टेम्परेचर चेंजेस, ड्यू टू द टेम्परेचर चेंजेस, ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल्स एंड अर्थक्वेक। हेंस दीज आर ऑल्सो बी कंसिडर एज द डिजाइन लोड इन द ब्रिज डिजाइन, ठीक है। तो इसको भी हमें कंसिडर करना जरूरी है। हेंस दीज इफेक्ट्स आर ऑल्सो बी कंसिडर एज द डिजाइन लोड्स इन द ब्रिज डिजाइन। तो नेक्स्ट टाइप है इरेक्शन स्ट्रेसेस, ठीक है। अब ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, इरेक्शन स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड बाय द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग द ब्रिज कंस्ट्रक्शन। दीज कैन बी रिजिस्ट बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल सपोर्ट फॉर द मेंबर्स। नेक्स्ट टाइप है फोर्सेस बाय वाटर करंट। तो ये क्या होता है, देखो, व्हेन द ब्रिजेस इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, टू बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर सम पार्ट ऑफ द सबस्ट्रक्चर इज अंडर सबमर्ज ऑफ द वॉटर। नाउ द वॉटर करंट इंड्यूस हॉरिजेंटली फोर्सेस ऑन द सबमर्ज पोर्शन, हॉरिजेंटल फोर्सेस, ठीक है। द फोर्सेस कॉज बाय द वॉटर, द फोर्सेस कॉज बाय द वॉटर करंट आर मैक्सिमम एट द टॉप ऑफ द वॉटर लेवल एंड जीरो एट द बॉटम लेवल और बेड लेवल, ठीक है। तो वो फोर्सेस हमें कंसिडर करने हैं, तो उसके लिए हमको वो निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालते हो, P=KW V²/2G, जिसमें P स्टैंड करता है प्रेशर, K स्टैंड करता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू डिपेंड है शेप ऑफ द पेयर के ऊपर, W स्टैंड करता है यूनिट वेट ऑफ द वाटर, V स्टैंड करता है वाटर करंट ऑफ द वेलोसिटी एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है। तो इससे हम P इजिली निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है थर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है। थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में देखते हैं। देखो, थर्मल स्ट्रेसेस आर कॉज ड्यू टू द टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई और वेरी लो
They induce stresses in the bridge element, especially at the bear and deck joints. Now, these stresses are tensile in the nature, so concrete cannot be stands against it, and cracks are the formed. Then the cracks is from to resist that additional steel reinforcement is provided perpendicular to the main reinforcement. Now, expansion zones are also provided at that conditions. तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं वो है सिस्मिक लोड. ये लास्ट है सिस्मिक लोड. व्हेन द ब्रिज इज टू बी बिल्ड इन द सिस्मिक जोन और अर्थक्विक जोन और अर्थक्विक लोड्स मस्ट बी कंसिडर सो दैट दे इंड्यूस बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ड्यूरिंग द अर्थक्विक. द अमाउंट ऑफ फोर्सेस एग्जर्टेड इज मेनली डिपेंड्स ऑन द सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर. इफ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इज मोर लार्जर फोर्सेस विल बी एग्जर्टेड लार्जेस्ट फोर्सेस विल बी एग्जर्टेड. सो ये थे 12 अलग अलग टाइप्स के लोड जो हमें कंसिडर करने होते हैं जब हम ब्रिज स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते हैं. ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए. लाइक करने से आपको किसी भी प्रकार का पे करना नहीं है, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, तो लाइक करना जरूर. अगर किसी भी प्रकार के इश्यूज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में ऐसे एक इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ. तब तक के लिए खुश रहिए. जय हिंद. सके तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके. है जुनून है जुनून है.